क्या आपको पता है 5 रुपए के वेव थीम वाले इस 5 रुपए के सिक्के की यूएनसी कंडीशन में वैल्यू 3000 प्लस जा सकती है। जी हाँ, 3000 रुपए से भी ऊपर। इस सिक्के की क्या खास बात है, इस सिक्के की क्या इंपॉर्टेंट न्यूमिस्मेटिक डिटेल्स है, ये मैं आपको बताऊंगा आज के इस वीडियो में। सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रोहित। मैं एक्सक्लूसिवली बात करता हूं इंडियन कॉइन्स यानी कि भारतीय सिक्कों के बारे में, जिन्हें देसी भाषा में कहते हैं चिल्लर। सो वेलकम टू चिल्लर ज्ञान। व्यूअर्स, 5 रुपए के वेव थीम वाले ऐसे सिक्के आप सभी ने जरूर देखे होंगे और सर्कुलेशन में कभी ना कभी आपके पास आए होंगे। लेकिन इन सिक्कों में नजर आता है एक ऐसा खास सिक्का, एक ऐसा रेयर सिक्का। अगर आपने कभी उस पर गौर फरमाया होता तो क्या पता आपके पास भी वो रेयर सिक्का होता, यानी कि ऐसा सिक्का जिसकी वैल्यू यूएनसी कंडीशन में 3000 प्लस जा सकती है। तो कैसे आप इस सिक्के को आइडेंटिफाई करेंगे, क्या क्या चीजें आपको इस सिक्के में देखनी है, ये मैं आपको बताऊंगा आगे इस वीडियो में। तो अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से कर दीजिए। तो बिना किसी देरी के डायरेक्टली चलते हैं सिक्के पे और जानते हैं इसकी कंप्लीट न्यूमिस्मेटिक डिटेल्स। तो स्क्रीन पे आप सभी देख सकते हैं ईयर 2008 में कोलकाता मिंट से जारी हुए वेव थीम वाले 2 5 रुपए के सिक्के। वेव थीम वाले इन सिक्कों को ITN कनेक्टिविटी थीम कॉइंस कहा जाता है और ये इशू किए गए थे केवल 2 वर्षों में, यानी कि 2007 और 2008 में। दोनों वर्षों में ये हमें कोलकाता, हैदराबाद और मुंबई मिंट से देखने को मिलते हैं। लेकिन ध्यान दें, यहाँ हम स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं केवल 2008 के कोलकाता मिंट के सिक्कों की। अब यहाँ पे मैं आपको क्लियर करना चाहूंगा कि सेम से दिखने वाले ये 2 5 रुपए के सिक्के सेम सिक्के नहीं हैं, बट काफी मायनों में अलग है। इनमें से एक 5 रुपए का सिक्का कॉमन सिक्का है, जबकि दूसरा सिक्का एक रेयर और कीमती 5 रुपए का सिक्का। अब आप में से काफी सारे व्यूअर्स को फिलहाल ये समझना मुश्किल हो रहा होगा कि आखिर इन दोनों सिक्कों में क्या फर्क है। ये दोनों सिक्के तो तकरीबन सेम से ही दिख रहे हैं। तो आपकी कंफ्यूजन को क्लियर कर देता हूं, ये वाला 5 रुपए का सिक्का 2008 का कोलकाता मिंट से जारी हुआ कॉमन वेव इशू कॉइन है, जबकि दूसरा 5 रुपए का सिक्का रेयर म्यूल कॉइन है। क्या होता है म्यूल कॉइन और कैसे बना ये म्यूल सिक्का, ये जानने से पहले ये समझ लेते हैं कि कॉमन सिक्के और इस रेयर म्यूल इशू में कैसे फर्क किया जाए। तो आइए वो डिफरेंसेस मैं आप सभी को समझा देता हूं। सबसे पहला, अगर आप दोनों सिक्कों के रिम बॉर्डर को ध्यान से देखेंगे तो रेयर म्यूल कॉइन में वो आपको काफी थिक यानी मोटा देखने को मिलेगा, जैसा कि आप सभी देख सकते हैं, जबकि कॉमन सिक्के में ये काफी थिन यानी कि नॉर्मल है। सेकेंडली, अगर आप दोनों सिक्कों में ईयर 2008 के फॉन्ट को देखेंगे तो रेयर म्यूल कॉइन में 2008 आपको छोटा और थिन फॉन्ट में देखने को मिलेगा, जबकि कॉमन सिक्के में ये आपको बोल्ड और बड़ा देखने को मिलेगा। ऐसे ही अगर आप दोनों सिक्कों में सत्यमेव जयते को देखेंगे तो कॉमन सिक्के में वो आपको अशोक स्तंभ के नजदीक देखने को मिलेगा, जबकि रेयर सिक्के में अशोक स्तंभ कंपैरेटिवली दूर है। इसे भी आप अच्छे से देख सकते हैं और कंपेयर कर सकते हैं। फोर्थ डिफरेंस नजर आता है अशोक स्तंभ के साइज में। कॉमन सिक्के में अशोक स्तंभ साइज में हल्का सा बड़ा है रेयर म्यूल कॉइन के मुकाबले। नेकेड आई से शायद आपको ये समझ में ना आए, लेकिन अगर आप अशोक स्तंभ को मेजर करते हैं तो वो डिफरेंस आपको समझ में आ जाएगा। पांचवा मेजर डिफरेंस ये है कि जो 2 पैरेलल लाइंस हैं इन सिक्कों के ओवरसाइड साइड में, उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो कॉमन सिक्के में ज्यादा होता है, जबकि रेयर सिक्के में थोड़ा सा कम। इसे भी जब आप मेजर करेंगे तो डिफरेंस आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये थे वो 5 मेजर डिफरेंसेस जिन्हें आपको चेक करना है 2008 में कोलकाता मिंट से जारी हुए रेयर 5 रुपए के म्यूल कॉइन को आइडेंटिफाई करने में। अब सवाल ये उठता है कि 5 रुपए का ये म्यूल कॉइन कैसे फॉर्म हुआ, ये समझने के लिए आपको 2 सिक्कों को समझना होगा। और वो 2 सिक्के हैं 2008 में वेव थीम वाला ये 5 रुपए का एक कॉमन सिक्का, और दूसरा है 2008 का नृत्य मुद्रा थीम का ये 50 पैसे का सिक्का। 5 रुपए के इस सिक्के का स्टैंडर्ड डायमीटर 23 mm होता है, जबकि 50 पैसे के इस सिक्के का डायमीटर हल्का सा कम होता है यानी कि 22 mm। 5 रुपए के सिक्के में जो डिस्टेंस बिटवीन हॉरिजॉन्टल लाइंस होती है वो होती है 12 mm, जबकि 50 पैसे के इस सिक्के में 2 लाइंस के बीच का डिस्टेंस 1 mm कम होता है यानी कि 11 mm। अशोक स्तंभ 5 रुपए के इस सिक्के में 7.5 mm का होता है, जबकि 50 पैसे के इस सिक्के में 6.5 mm का, यानी कि 1 mm कम। अब आप सोच रहे होंगे कि इन दोनों सिक्कों की स्पेसिफिकेशंस मैं आपको क्यों बता रहा हूं। अब ऐसा इसलिए है कि इन दोनों सिक्कों की कंकरेंट मिंटिंग के दौरान, यानी कि एक साथ बनाए जाने के दौरान, किसी नेग्लिजेंस की वजह से
50 पैसे के नृत्य मुद्रा थीम वाले ऐसे सिक्कों का ओवर्स डाई 2008 के कोलकाता मिंट के 5 रुपए के वेव थीम वाले सिक्कों पर स्ट्राइक हो गया, जिसका रिजल्ट ये हुआ कि 5 रुपए का ये म्यूल कॉइन फॉर्म हो गया। यानी 5 रुपए के इस म्यूल कॉइन में रिवर्स साइड तो इस 5 रुपए के सिक्के का ही है, लेकिन ओवर्स साइड 50 पैसे के सिक्के का है। और इसी वजह से 50 पैसे के सिक्के के ओवर्स डाई कैरेक्टरिस्टिक्स 5 रुपए के वेव थीम वाले इस म्यूल कॉइन में देखने को मिलते हैं। यानी कि इस म्यूल कॉइन में आपको छोटा अशोक स्तंभ नजर आएगा, स्मॉल डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस, स्मॉलर ईयर फॉन्ट यानी कि 2008 आपको छोटा देखने को मिलेगा, सत्यमेव जयते क्लोज नजर आएगा अशोक स्तंभ के, जबकि नॉर्मल सिक्के में ये दूर देखने को मिलता है। और सबसे इंपॉर्टेंट, इस सिक्के में आपको ब्रॉडर रिम नजर आता है, क्योंकि 23 mm की डाई ना स्ट्राइक होके इस सिक्के पे 22 mm के 50 पैसे के सिक्के की डाई स्ट्राइक हुई है। तो आई होप आपको अभी तक ये क्लियर हो गया होगा कि 5 रुपए के इस सिक्के को म्यूल कॉइन क्यों कहते हैं और ये म्यूल कॉइन कैसे फॉर्म हुआ। और आपको ये भी पता लग गया होगा कि इस म्यूल कॉइन को कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है। अब जानते हैं कि ये सिक्का कितना रेयर है और कितनी वैल्यू है इस सिक्के की आज की डेट में। तो यहाँ पे मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि 2008 में कोलकाता मिंट से जारी किया गया 5 रुपए का ये जो म्यूल कॉइन है, ये सिक्का आज की डेट में रेयर कैटेगरी में आता है और बहुत ही मुश्किल से आपको सर्कुलेशन में देखने को मिलेगा। वेरी फाइन कंडीशन में ही इस सिक्के की वैल्यू 1200 से 1500 रुपए के करीब है, जबकि यूएनसी ग्रेड में तो ये सिक्का 3000 प्लस जा सकता है आज की डेट में। तो है ना व्यूअर्स, एक 5 रुपए के सिक्के की काफी ज्यादा कीमत, वो भी एक छोटी सी गलती की वजह से। तो ये हुई 2008 में कोलकाता मिंट से नजर आने वाले 5 रुपए के वेव थीम वाले म्यूल कॉइन से रिलेटेड सभी जरूरी न्यूमिस्मेटिक डिटेल्स। तो है ना व्यूअर्स, बहुत ही इंटरेस्टिंग जानकारी 5 रुपए के वेव थीम वाले इस म्यूल कॉइन की, जो कि 2008 में कोलकाता मिंट से देखने को मिलता है। आई होप आपने वो सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट कर लिए होंगे, जिनसे आप ये इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा वेव थीम वाला 5 रुपए का नॉर्मल सिक्का है और कौन सा रेयर सिक्का। तो अगर आपको सिक्कों से रिलेटेड ये जानकारी बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव लगी है तो जरूर इस वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और हाँ, चैनल चिल्लर ज्ञान को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो, हम जल्द लेके आएंगे चिल्लर ज्ञान पे एक और ऐसा ही इंटरेस्टिंग वीडियो। तब तक आप सभी अपना ध्यान रखें। टिल देन, जय हिंद।